अब सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड क्लास है लाइकोप्सिडा, जो है लाइकोपोडियम। इसे हम क्लब मॉस कहते हैं, क्रीपिंग पाइन, ग्राउंड पाइन, ट्रेलिंग एवरग्रीन इनका कॉमन नेम है। इट इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल एरियाज, यानी कि उष्णकटिबंधीय स्थलों पर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की। डिवीज़न है लाइकोफाइटा, क्लास है लाइकोपसिडा, ऑर्डर है लाइकोपोडिएट्स एंड फैमिली है लाइकोपोडिएसी, जीनस है लाइकोपोडियम। अब हम बात करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। वही है बात कि आपको इसकी सीरीज याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर क्या आएगी, क्यूटिकल। स्टेम में सबसे पहले ऊपर क्यूटिकल आता है, उसके बाद आती है एपिडर्मिस, फिर कोटेक्स। आपको पता ही एपिडर्मिस के बाद क्या आता है, कोटेक्स। इसमें टू कोटेक्स हैं, आउटर और मिडल और इनर, ये थ्री हैं, आउटर मिडल एंड इनर कोटेक्स। फिर आती है एंडोडर्मिस, फिर आती है पेरिसाइकिल, फिर आता है मेटाजाइलम, फिर आता है प्रोटोजाइलम, और फिर साइड में क्या है, फ्लोएम। ये थी हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम ऑफ लाइकोपोडियम। अब हम बात करते हैं टीएस ऑफ लीफ। तो टीएस ऑफ लीफ में सबसे पहले क्या होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपिरेशन किससे होता है, लीव्स से। लीव्स के स्टोमेटा से वाटर ऊपर जाएगा, वाटर की वेपर ऊपर जाएगी और क्या होगा। फिर आती है अपर एपिडर्मिस, इसके बाद क्या आएंगे, इसके बाद आएंगे मेसोफिल टिश्यू। ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, मेसोफिल टिश्यू। इसके बाद आती है हमारी जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम अंदर, जाइलम के बाहर फ्लोएम, और फ्लोएम के बाहर घेरे हुए जो झिल्ली है, जो पतली सी वॉल है, जो मेम्ब्रेन है, उसे कहेंगे बंडल शेल्थ। लास्ट में आएगा लोअर एपिडर्मिस, और नीचे भी आएंगे स्टोमेटा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम की। तो ये है स्पोरेंजियम। इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा कि ये ऊंची सी एक डाली जैसी संरचना है, इसे हम कहते हैं स्पोरोफिल, जो होती है डिप्लोइड। इसके बाद ये ऊपर से उठा हुआ भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। और इसके बाद इसके अंदर जो गोल हैं वो क्या हैं, स्पोर्स हैं। तो ये थी स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट। एलस ऑफ कॉन ऑफ स्ट्रोबाइलस, ये यू स्पोरेंजियम टाइप होते हैं। वैस्कुलर बंडल इनकॉन्सेंट्रिक, यानी कि जो फ्लोएम और जाइलम होते हैं वो संकेंद्रित होते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एंडोडर्मिस इज़ फंक्शन एज बायोलॉजिकल बैरियर। ये क्वेश्चन कई बार आता है एक नंबर में कि एंडोडर्मिस किस प्रकार का काम करती है, उसका कार्य के, तो एज अ बायोलॉजिकल बैरियर। कुछ लीव्स में वेंट्रल पर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती हैं, स्पोरेंजियम डेवलपमेंट। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्पोरेंजियम डेवलपमेंट की। तो स्पोरेंजियम डेवलपमेंट कैसे हो रही है, इसमें स्पोरेंजियल इनिशियल सेल से पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, उसके बाद प्राइमरी स्पोरेंजियम जो आप देख पा रहे हैं, इसके बाद है प्राइमरी जैकेट सेल से बनेगा जैकेट लेयर वॉल, इससे बनेगी मल्टी लेयर वॉल साइड में, और अंदर क्या होगा, टैपेटम, और ये अंदर क्या है, स्पोर्स, जर्मिनेट होगा, स्पोर्स बनेंगे। और यहाँ पर प्राइमरी स्पोरेंजियम सेल है, ये स्पोरेंजियस सेल, स्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस डिवीज़न होगा और क्या बनेंगे, मेगा स्पोर्स। इससे हमारे पास क्या बनेंगे, टेट्राहेड्रल स्पोर्स। इसके बाद इसमें से एक बड़ी कोशिका आगे जर्मिनेट, इसके बाद इन तीनों में से एक बड़ी कोशिका आगे जर्मिनेशन करेगी, इन तीनों में से एक जर्मिनेशन करेगी और क्या होगा, आफ्टर जर्मिनेशन मेल एंड फीमेल गैमेट ओनली, इसके ऊपर क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगी। ये है एग्जाइन, ये है एंटाइन, ओके, ये क्या बना है, प्रोथैलस। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंथीडियम। एंथीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है। अब क्या होगा, इसमें एंथीडियल इनिशियल सेल से पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, और टू न्यूक्लियर सेल बनेगी, ऊपर वाला होगा आउटर कवर इनिशियल सेल, और नीचे वाला होगा पेरी एंडोगोनियल कवर सेल। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एंथेजोइड मदर सेल, और ये यूनिलेयर्ड
कवर सेल, इसी से आगे ये बनेगी, ये यूनिलेट कवर सेल है और ये क्या है एंथेजोइड। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, ये है मोनोशियस प्रोथेलस। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, क्या बनेंगे फ्लैजिला, यूनिसेलुलर बायोफ्लैजिलेटेड एंथेजोइड्स। ये थी हमारी डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंथेरियम। इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। हमारे पास है आर्चिगोनियम इनिशियल सेल, इसमें एंटी क्लाइनल डिवीज़न होगा, टू न्यूक्लियस बनेंगे, ऊपर होगा आउटर इनिशियल सेल, नीचे होगी इनर इनिशियल सेल। इसके बाद वही जैसे पहले हमने किया था एनसीसी होगी ऊपर, एनसीसी में 4 to 6 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक नेक सेल में। इसके बाद एनसीसी नेक कैनाल सेल, उसके नीचे का होगा वेंट्रल कैनाल सेल, वीसीसी आएगा यहाँ पे वेंट्रल कैनाल सेल। इसके बाद एनसीसी वीसीसी और लास्ट में क्या बनेगा एक्सेल। फ्यूजन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक्सेल बचेगी, एनसीसी और वीसीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये था हमारा डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। अब हम बात करते हैं लाइकोपोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है स्टैम के एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट है मेटाजाइलम हमेशा अंदर की ओर तथा प्रोटोजाइलम हमेशा बाहर की ओर होते हैं। थर्ड पॉइंट है पेरेन्काइमेटस एपिडर्मिस मिडल कोटेक्स हैं पेरेन्काइमेटस, और स्क्लेरेन्काइमेटस क्या है आउटर कोटेक्स और इनर कोटेक्स है जो है स्क्लेरेन्काइमेटस। वैस्कुलर बंडल कैसे हैं कॉन्सेंट्रिक यानी कि संकेंद्रित हैं। नेक्स्ट आता है कि वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड कौन सी होती है, वेंट्रल ऊपरी होती है और डोर्सल निचली होती है। एबैक्सियल क्या होती है, वेंट्रल पल्स पोरेंजियम होते हैं उसे क्या कहते हैं एबैक्सियल। टाइडोफाइट्स को एस्टियो की आवश्यकता होती है फ्लैजिला प्रेजेंस, यानी फ्लैजिला की प्रेजेंस होती है तो उसे वाटर की आवश्यकता होती है फॉर द मूवमेंट। तो ये था आपका लाइकोपोडियम, आप इसके नोट्स बना सकते हैं यहीं से, उसकी तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। आपको कुछ भी समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।